तो इस वीडियो में अब आपको पूरा रेड फोर्ट दिखाऊंगी और मैंने मेकअप कर रखा है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। सो आई होप यू लाइक इट, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो बहुत स्ट्रगलों के बाद हमने एंट्री ले ली है। कितने इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी जाने पर भी, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। बहुत थोड़ी धूप हो रखी है बट विल मैनेज, क्योंकि स्त्री कुछ भी कर सकती है। लाल किला हमसे पूछ रही है। और बहुत धूप हो रही है लेकिन धूप कम है, पिछली बार की तरह नहीं है। पिछली बार याद होगा आप लोगों को पुराने ब्लॉग में हम लोग वही धूप की गर्मी में थे। और ये प्यासी लड़की पानी पी रही है। बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, काफी सारे एंथ पीसेस आपको मिल जाएंगे जो कि देख सकते हो आप। क्या इधर कम घूम रहे हैं और शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं, है ना? जैसे ही आप एंट्री करते हो ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इस मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी मिल जाएगी, क्लच और शॉल वगैरह भी मिलती है। यहाँ पे क्लच का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और न्यू कलेक्शन था जो कि मेटल में था। स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज़ में आपको यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर आपको ज्वेलरी वगैरह काफ़ी सारी मिल जाएगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी होती है, नेक पीसेस हो गए, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी। सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, आपको बच्चों के खिलौने वगैरह भी मिल जाएंगे और यहाँ पे अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं आराम से। और ये आप देख सकते हैं इस शॉप पे काफ़ी अच्छे बैंगल्स का कलेक्शन था जो कि स्टार्टिंग प्राइस 100 और 200 रुपीज़ से थी। और यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ईयरिंग्स मिल जाएंगे झुमके स्टाइल में जो कि स्टार्टिंग प्राइस 50 रुपीज़ से ही था ओनली। और बैंगल्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था इनके पास और काफ़ी ज़्यादा भी था। एंड आगे आप कई सारी दुकानों में आप बैंगल्स वगैरह देख सकते हो। मार्केट का इतना ही पार्ट था, उसके जस्ट आगे आपको आपको ऐसा एक गेट सा दिखेगा एंड देन मार्केट इतनी ही है। देन आगे आपको थोड़े बहुत नेक पीसेस मिल जाएंगे यहाँ पे जो कि काफ़ी हैवी रेंज में आपको मिलेंगे। और ये मार्केट का एंड है, ये आखिरी गेट है मार्केट का, इसके बाद लाल किला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्क्स दिखेंगे और ये सबसे पहले म्यूज़ियम पड़ता है जैसे ही आप एंटर करते हो। और यहाँ पे पहले कैफ़े वगैरह भी था बट अभी इस टाइम कैफ़े क्लोज है, कैफ़े ओपन नहीं था। और ये लाल किला के अंदर का एरिया है जहाँ पर आपको काफ़ी आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिल जाता है। देन ये एक किला सा है अंदर ही, वाइट, पूरा वाइट है इसमें, काफ़ी सुंदर सा अंदर से बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। और इसके अंदर आप नहीं जा सकते, अलाउ नहीं था जाना अंदर। हम लोग को लाल किला के अंदर लाल किला ही नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये तो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। तो हमने लाल किला घूम लिया है और क्या घूमा है पता नहीं, बाहर का रास्ता नहीं बता रहा था। कल बाहर दिखता बोला किला। नहीं, जो बाहर की दीवार दिख रही है वही लाल किला है बस, और कुछ लाल किला नहीं है। ये हमें कुछ समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं। दो बार आने के बाद समझ और मैं लाल किला दोबारा आई हूँ। मैं ढूंढ रही थी कि लाल किला कहाँ है, वो जो बाहर की लाल दीवार है वो कहाँ है। तो अब हम लोग घूम चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। क्या हो गया? झील गिर गई, काजू छूट गया। तो ये फिर हम लोग उसी मार्केट में आ गए हैं। मार्केट से मैंने कुछ भी लिया नहीं है, सिर्फ देखा है।